All right guys, welcome to the channel again. मेरा नाम है विभू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेस पर. गाइज स्वागत है एक और वीडियो में. आज हम टायर इंडस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और जानेंगे कि टायर इंडस्ट्री में प्रीमियम सेगमेंट में क्यों आना. अभी तक अगर आप बजटेड सेगमेंट जो है वो टायर्स यूज कर रहे थे, इकोनॉमिक सेगमेंट के टायर्स यूज कर रहे थे, क्यों प्रीमियम में आना एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है लॉन्ग टर्म में और ये क्यों आपकी वॉलेट को जो है वो थोड़ा हल्का करता है. मैं अभी तक भी बजटेड यूज़ कर रहा था बट अब मुझे लगता है कि प्रीमियम में जो है मुझे ज़्यादा घुसना चाहिए और मिशलिन इज़ वन सच ब्रांड जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो. मैं अभी मिशलिन के एक स्टोर पर हूँ मैं और इस स्टोर के जो ओनर हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे टायर्स को कैसे सेव बनाया जा सकता है, उनके वियर एंड टीयर, उनकी लाइफ के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, इनके बारे में भी आपको आज बताता हूँ. चलिए फिलहाल उनसे मुलाकात करते हैं. ऑल राइट गाइस, हम लोग फिलहाल है सूर्यकांत जी के साथ में और स्वागत है हमारे चैनल पे सर. थैंक यू, नमस्कार. आप हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना. मेरा नाम सूर्यकांत यादव, मैं डायरेक्टर हूँ रेशम टायर्स में और हमारी कंपनी है इस सराउंडिंग एरिया में अच्छे टायरों के लिए जानी जाती है और हम लोगों को प्रीमियम टायर के लिए अग्रसित करते हैं. अच्छा सर, एक चीज बताओ आप मुझे, मिशलिन इज अ ह्यूज नेम इन इंडिया. यस. और ये ऑल अक्रॉस ग्लोब भी आप देखोगे तो रेनाउंड नेम है. तो आपने मिशलिन क्यों ही क्यों चूज किया ओवर अदर ब्रांड, क्योंकि और भी मल्टीपल ब्रांड जो है उसके क्रॉस कंपटीशन में आते हैं. नो डाउट इट हैज अ इट्स ओन आइडेंटिटी, बट मिशलिन ही क्यों आपने चूज किया? इस मिशलिन चूज करने के पीछे भी एक रीजन है. अगर हम देखेंगे कि इसके ब्रांड रेंज बहुत बड़ा है, इसमें आपको स्कूटर से लेके आपको ट्रक टायर तक की रेंज अवेलेबल हो जाती है. तो आपके सराउंडिंग एरिया में अगर आपको किसी को कोई भी चीज चाहिए तो एक पूरी ऑफरिंग मिल जाती है. दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस और इसकी प्रोडक्ट की कंटेंट. इसका प्रोडक्ट कंटेंट अपना इतना अच्छा है कि एक बार कस्टमर अगर इसको टायर लगा लेता है तो वो चार कस्टमर को और लेके आता है, रेफर करता है कि आप ये टायर यूज करिए. रीज़न उसको उस टायर में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये टायर में फीचर्स ज़्यादा हैं. अच्छा सूर्यकांत जी, मैंने यहाँ पर अक्सर देखा है कि लोग ना हिचकते हैं प्रीमियम सेगमेंट में जाने में. इवन हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो लोग स्पेशली जो कैब इंडस्ट्री में है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में है, या यू नो अर्थ मूविंग इंडस्ट्री में है, उनको क्यों प्रीमियम टायर जो है ना लॉन्ग रन में किफ़ायती रहता है उनके लिए, वॉलेट के लिए थोड़ा फ्रेंडली रहता है, और क्यों ऐसा बोला जाता है कि हाँ लॉन्ग रन में ज़रूर प्रीमियम आप इन्वेस्ट ज़रूर कर रहे हो लेकिन लॉन्ग रन में ये एक बजटेड टायर से ज़्यादा यू नो एफिशिएंसी रखता है, आपके वॉलेट को थोड़ा हल्का रखता है? Sure, बिल्कुल. रीज़न क्या है कि अगर हम मिशलिन टायर के बारे में बात करते हैं और बाकी दूसरा कोई सेकंड टायर के बारे में बात करते हैं, जब एक मिशलिन टायर आप लगाते हो तो एक बार जो पैसा खर्च करते हो, नो डाउट जब आप स्पेंडिंग करते हो फर्स्ट फेज वैल्यू में जो पैसा देते हो वो दूसरे कंपैरेटिव दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर पर किलोमीटर यूसेज में देखेंगे तो मिशलिन टायर आपको पर किलोमीटर कॉस्ट वाइज सस्ता पड़ता है रादर देन अदर दूसरा टायर लॉन्ग लाइफ में. तो मतलब कोई अगर बजटेड टायर खरीद रहा है तो वो दो टायर खरीदेगा, मिशलिन का शायद एक खरीदे. ऐसा नहीं है. ये मिशलिन के अगर वो चार टायर खरीदेगा तो मुश्किल से दूसरे ब्रांड वो पांच टायर ही खरीद सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. इसके बावजूद थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन और है मार्केट में लोगों के बारे में कि लोग सस्ते टायर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. हाँ, बिल्कुल. वो अट्रैक्शन इसलिए बिकॉज ब्रांड शॉप्स हमारी मिशलिन की अभी मार्केट में ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड हैं. तो बाकी डीलरशिप पे जाता है, वो डीलर्स उन टायरों को ज़्यादा कस्टमर को ऑफर करता है जिसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है. अगर कस्टमर अगर ब्रांड शॉप पे जाएगा तो उसको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और पैसा के कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, इसमें टायर में इसके फीचर्स के बारे में कंपैरिजन करेंगे. तो फीचर्स इसमें जो हैं, एक तो एक साइलेंट टायर होता है, ये टायर की ब्रेकिंग अच्छी होती है, ये टायर पहला सा टायर है कि आप पैसा खर्च करते हो साथ साथ में इसमें रिफंड भी ले लेते हो एज ए फ्यूल सेवर. अच्छा, फ्यूल एफिशिएंट. जी हाँ, फ्यूल एफिशिएंट टायर रहता है. जी हाँ, लाइट वेट भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है और लॉन्ग रन में भी चलेंगे आप तो ये लॉन्ग रन पे भी आपका ये टायर हिट नहीं होता और आपकी सेफ वियर एंड टीयर कम रहती है. अच्छा एक चीज़ और मैंने अक्सर देखा है कि टायर सेफ्टी को लेके इंडिया में एजुकेशन रेट बहुत लो है, तो कुछ टिप्स अगर आपकी तरफ से ऑफर हो जाए हमारे यू नो सब्सक्राइबर्स. थैंक यू. टायर सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो हम गाड़ी को निकालने से पहले टायर वियर इंडिकेटर्स हैं, जब उसको सबसे पहले चेक करें, टायर वियर इंडिकेटर्स पहुंचने से पहले ही हम अपने टायर को रिप्लेस कर दें. दूसरा, हम रेगुलर इंटरवल में अलाइनमेंट बैलेंसिंग चेक कराते रहेंगे तो हमारा टायर का वियर कम हो जाएगा. ओके अच्छा, इन्फ्लेशन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, अगर मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ प्रॉपरली या ओवर इन्फ्लेट कर रहा हूँ या यू नो अंडर इन्फ्लेट कर रहा हूँ, इससे क्या? इन्फ्लेशन में हम बात करेंगे, अगर आप नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं तो आपके टायर में ये नाइट्रोजन बार बार रिफिल करने के झंझट से आप मुक्त हो जाते हैं. आप बार बार नाइट्रोजन
नहीं भराएंगे, एक बार भरा लेंगे काफी समय तक बना रहता है, तो आपका टायर का जब प्रेशर मेंटेन रहेगा तो टायर ठीक चलेगा। ओके अच्छा चलो जब नाइट्रोजन की बात उठी ही है तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि नाइट्रोजन थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ती है। वो नाइट्रोजन जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से उसका नेचर चेंज नहीं होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आई बिलीव इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, जो हम रेगुलर ऑक्सीजन यूज करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यू नो मिक्सचर यूज करते हैं। बिल्कुल, लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी पूरी नहीं है। नाइट्रोजन क्या है, मिक्स ऑफ कंपाउंड होता है, ये नेचर में ही अवेलेबल होता है। आजकल जो मशीनें आ गई हैं वो क्या करती हैं, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेती हैं और सिर्फ उसको बाकी मिक्सर हटा देती हैं और नाइट्रोजन उसमें बन जा, उससे इसकी कॉस्ट आज के समय बहुत काफ़ी कम हो गई है। बिल्कुल मतलब पीनट से आपको 100 रुपीज में आप पूरे 4 टायर फिल करा सकते हैं। चलिए अच्छा एक काम करते हैं सर, हम लोग आपकी वाइड रेंज देखते हैं अभी, ठीक है कौन कौन से टायर्स आपके पास में हैं, किस किस कैटेगरी में हैं, आप वियर एंड टीयर भी समझाना उसी दौरान, ठीक है। तो सूर्यकांत जी अभी आप मुझे रेंज एक्सप्लेन करो कि मिशलिन की कौन कौन सी रेंजेस हैं जिसके बारे में हम लोग अभी फिलहाल अंदर बात कर रहे थे ना। मिशलिन की रेंज है, अगर हम फ्यूल सेवर के टाइप के बारे में बात करते हैं, XM2 ये अपग्रेडेड वर्जन है जो मिशलिन का सबसे प्रीमियम टायर माना जाता है अभी आज के समय में। okay. जो पैसे के साथ साथ आपके इकोनॉमी भी रहता है, आपको पैसा ही बचाता है। कुछ लोग ऑफ रोड के जो शौकीन होते हैं उनके लिए ये LTX 4 टायर है, जैसे कि फॉर्चूनर हो गया, आपके स्कॉर्पियो हो गया, उनमें ये टायर काफ़ी अच्छा टायर है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और आपको ब्रेकिंग अच्छा देता है और ऑल टेरेन ड्राइव है, आप कहीं पे भी जाके इस टायर के साथ चल सकते हैं। अच्छा जब ऑल टेरेन टायर्स की बात आती है तो उनमें साउंड थोड़ा जो है ना वो बढ़ती हुई नॉइज़ आती है, रोड नॉइज़ थोड़ी सी। हाँ, अगर आप देखेंगे इसका पैटर्न्स बनाया गया है कि हर तरीके का, हर रोड को ग्रिप को पकड़ सके, इसलिए इसका जो ग्रिप है थोड़ा सा बड़ा पैटर्न वाइड है। बाकी इसके कंपैरिजन में दूसरा टायर है, हम बात करते हैं पायलट स्पोर्ट 4, ये मोस्ट सारी ऑडी BMW जो सारी लग्जरी कार्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए ये टायर मिशलिन का सबसे प्रीमियम टायर माना जाता है। ये पहला टायर है जो साउंडलेस टायर है इसमें, और ब्रेकिंग बाकी किसी वर्ड के सेकंड टायर से इसमें अगर ब्रेक लगाते हैं तो 3.5 मीटर ये टायर पहले रोक के देते हैं, तो सेफ्टी फीचर से टायर वर्ड का बना तो बेस्ट टायर माना जाता है। अच्छा आप मेरे को कुछ ट्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताओ कि इनके पैटर्न्स और इनके पैटर्न में थोड़ा अंतर कैसे है। ये पैटर्न्स ग्रुप्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये टायर जब पानी में चलता है तो ये आराम से हवा या पानी को काट के चल सके, तो जब मिशलिन के टायर लगा के आप भरे हुए पानी में भी जाते हैं तो आपके स्टेयरिंग पे इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये ग्रुप्स बनाए गए हैं, या ये ग्रुप्स अलग अलग भी देखे हैं, ये अलग अलग इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये नॉइस को मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, पानी को निकाल के चलते हैं, हवा इसमें प्रॉपर वे में रहती है जिससे कि टायर ठंडा रहता है, और इसमें सिलिका कंपाउंड मिलने के कारण ये टायर की लाइफ सब टायरों से ज़्यादा होती है। जिस टायर ये टायर थोड़े से प्राइस वाइज मॉनिटरी वाइज थोड़े से टायर किसी दूसरे टायर से महंगा होता है। करेक्ट, सो ये तो हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ ज्ञान लिया है, फिलहाल इसको कंक्लूड करते हैं। आज काफ़ी कुछ अच्छा जो है वो सेशन रहा, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मैंने टायर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन ये सेशन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा कि किस तरीके से हम लोग लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, टायर लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एक प्रीमियम टायर भी जो है वो लॉन्ग रन में आपको कॉस्ट एफिशिएंट महसूस करवाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी महसूस करा देगा कुछ इस तरीके से। पहले ज़रूर आपको ये लगेगा कि मेरे को प्रीमियम जो है वो मेरे को टायर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं खरीद रहा हूँ, बट लॉन्ग रन में जब आपको रियलाइज़ होगा वियर एंड टीयर कम है, फ्यूल एफिशिएंसी बड़ी है और यहाँ पर जो है आपका कंट्रोल अच्छा बना रहता है हाईवे पे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा और ये चीज़ें लिटरली वन टाइम वन डे और द अदर आपको महसूस होने वाली है। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए और हैंडल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ। थैंक यू, नमस्कार।